वेलकम टू माय चैनल सीमा होम किचन। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सीमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरी दुआ भी यही है कि अल्लाह पाक सबको हमेशा शाद रहे, आबाद रखे और खुश रखे और सेहतमंद रखे। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी सी मज़ेदार यम्मी रेसिपी लेकर आई हूँ बलोची टिक्के की। तो चले हम फटाफट अपने रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चले हम अपने बलोची टिक्के की तरफ चलते हैं। बलोची टिक्का जो है उसके लिए जो सबसे पहली चीज़ जो मैं ले रही हूँ वो ऑयल है। मैंने तकरीबन 2 कप ऑयल लिया है, ठीक है। और 2 कप ऑयल में मैं 1 कप जो है पानी यूज़ करूँगी। 2 कप ऑयल है, ऑयल गर्म नहीं करना है, इसी ठंडे ऑयल में मुझे 1 कप पानी डालना है। 1 कप पानी डालने के बाद जो है मैं जो है थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। ये आपकी मर्जी है और क्या आप लहसुन यूज़ करें, पेस्ट यूज़ कर सकती हैं। मैंने 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन का पेस्ट डाला। अब मैं ये सारे चिकन जो है इसमें डाल दूँगी। ये तकरीबन मेरे पास 1 किलो के करीब चिकन है। मैंने लेग अटैच चूज़ किया था इसके लिए। तो चले मैं एक बार फिर आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि मैंने 2 कप ऑयल लिया, उसमें मैंने 1 कप भर के पानी डाला है और मैंने 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन का पेस्ट यूज़ किया। थोड़ा सा सॉल्ट डाला है क्योंकि आगे मसाले में भी सॉल्ट यूज़ होगा। और इसको मैंने मिक्स कर लिया है। आप 1-2 किलो की मुर्गी भी इस्तेमाल कर सकती हैं और मुर्गी के पीसेस करा लें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। मैंने लेग और थाई चूज़ किया है, तो दो तकरीबन मेरा लेग और थाई 1 kg के करीब है। अब इसको मैं कवर करके मीडियम आंच पर तकरीबन 15 मिनट पकने के लिए छोड़ूंगी। चलें अब हम बलोची टिक्का मसाला बनाने की तरफ चलते हैं। पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या चीज़ें मैं यूज़ करूंगी। ये 4 टेबल स्पून ज़ीरा है, 4 टेबल स्पून धनिया है, साबित धनिया है। अच्छा, ये मैंने 2 टेबल स्पून चाट मसाला यूज़ किया है और यहाँ पे मेरे पास 4 टेबल स्पून क्रश चिली है, 2 टेबल स्पून मेरे पास कसूरी मेथी है, मैंने 1 टेबल स्पून जो है काली मिर्च ली है और 1 टी स्पून के करीब मेरे पास गरम मसाला है और 1.5 टी स्पून के करीब जो है मैंने सॉल्ट लिया। सॉल्ट आप अपनी मर्जी से कम बेश कर सकते हैं। और ये मेरे पास आमचूर पाउडर है जो कि मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, ठीक है। और ये मैं जो हूँ टिक्का मसाला यूज़ कर रही हूँ, ये भी 1 टेबल स्पून है। और गार्निश के लिए जो है मैंने अदरक रखा है, लेमन है और इसका मेन पार्ट जो है मिर्ची है। ये ग्रीन चिली बहुत तेज़ नहीं है और ये तकरीबन 25 है मेरे पास। तो चले पहले हम फटाफट जो है टिक्का मसाला, बलोची टिक्का मसाला बना लेती हूँ। एक बार मैं आपको बता दूँ, आई एम सॉरी, आई थिंक कि मैं बताना भूल गई थी, मैंने जो चिकन लिया उस पर मैंने मार्क 3-3 जो है कट लगाया, जैसे हम टिक्का में लगाते हैं ऐसे ही हमने इसमें भी कट लगाया है। अब मसाला मुझे भूनना तो है लेकिन ख्याल रखिएगा कि मसाला जो है जलने नहीं पाए, बस हल्का सा मुझे इसको भूनना है, इतना कि इसकी इसमें एक हल्की सी खुशबू आ जाए और हम इसे बंद कर देंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है क्योंकि मेरा ये ऑलमोस्ट भुना गया। बस आप समझे, मुझे ड्राई रोस्ट जो होता है मुझे वो चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा इसको भुनना नहीं है कि ये काला हो जाए और इतना भी नहीं कम भुनना है कि इसमें खुशबू नहीं आए। अब आप देखिए इसमें एक अच्छी सी खुशबू अभी आ रही है और ये मेरा ऑलमोस्ट रोस्ट हो गया है। इसे मैंने एक तरफ रखा है। अच्छा,
मैं इसे जो है मोटा मोटा कूटूंगी, इसे बारीक नहीं पीसना, ये ख्याल रखिएगा, बारीक नहीं पीसिएगा, मोटा मोटा ये कूटा जाएगा, लाइक इज द लिटिल चंक। ये हमलदस्ते में मैं इसे डाल रही हूँ और मैं कूट रही हूँ। ये हमलदस्ता मेरा बहुत पुराना है, तकरीबन 23 इयर्स बिफोर मैंने ये ख़रीदा था, जब मैं बैक होम यानी अपने प्यारे वतन पाकिस्तान गई थी, तो वहाँ से मैं ये ख़रीद के लाई थी और ये मेरे लिए बहुत यूज़फुल है। मैं अमूमन मसाले इसी में कूटती हूँ और यकीन करें बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो मैं अब इसे कूटूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने कितना अच्छा ये कूटा है, ये इसी तरह मुझे चाहिए। अब देखें, ठीक है, ये इसी तरह थोड़ा मोटा मोटा दरदरा सा रहता है, बिल्कुल बारीक नहीं कूटना है। अब मैं क्या करूँगी, ये कसूरी मेथी ये भी मैं इसमें डालूंगी और दो हाथ इसको भी लगाऊंगी, एक अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। ये देखिए कसूरी मेथी भी मेरी हो गई तैयार और अब मैं इसमें कुटी हुई मिर्च डालूंगी, ठीक है, और ये दो टेबल स्पून मैंने आपको बताया था चाट मसाला है वो डाला है मैंने। मैंने आपको एक टेबल स्पून काली मिर्च बताया था, ये गरम मसाला है, ये हाफ टेबल स्पून या के करीब है मेरे पास। ये आमचूर पाउडर है, ये भी मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। नमक है, रेगुलर नमक है, मैंने 1 टीस्पून लिया है, क्योंकि इन सब चीज़ों में नमक ऑलरेडी होता है। आई थिंक जो चाट मसाला वो ऑलरेडी नमकीन है, उसमें नमक होता है, सॉल्ट दिया हुआ होता है, तो ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। और मैंने आपको बताया था ये 1 टेबल स्पून टिक्का मसाला है, ये होम मेड है, वैसे आप कोई भी टिक्का मसाला यूज़ कर सकते हैं। कमिंग सून मैं आपको ये मसाला बनाने के लिए रेसिपी दूंगी। अब इसे जो है मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। बता दूँ ये बलोची टिक्का मसाला जो है आप इसमें टिक्के में भी यूज कर सकते हैं और बलोची टिक्का कढ़ाई में भी यही मसाला जाता है। तो चले अब हम अपने गोश्त की तरफ देखते हैं। 15 मिनट्स हो गया है, तो फिर मैं इसे तेज आंच पे अगला स्टेप के साथ लूँगी। अब देखिए ये पानी ऑलमोस्ट सूख रहा है, तेल जो है इसका ऊपर आने लगा है। बस ये इसी मौके पे जब ये पानी सूख रहा है और तेल इसके ऊपर आने लगा और मेरा चिकन जो है वो बिल्कुल गल चुका है, तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें जो है मैं हाफ से ज़्यादा, मैंने तकरीबन आधा पाउंड जो है मैंने अदरक लिया था, उसको जुलियन काटा था, मैं सारा अदरक इसमें डालूंगी। थोड़ा सा मैंने गार्निश के लिए रखा। 25 मैंने आपको बताया था चिली है, अगर आप चाहें तो चिली को इस तरह तिकोनी भी काट के डाल सकते हैं और या तो पूरी फुल डाल दें, जैसे आपकी मर्जी, ऐसे चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं और फुल भी डाल सकते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं हाफ थोड़ा जो है इस तरह डाल रही हूँ और थोड़ा जो है मैं फुल डाल रही हूँ। अब मैं बाकी जो है, मैंने कहा था मैंने तकरीबन 8 जो है इस तरह काटे हैं, थोड़ा तिकोनी तक की खूबसूरती आए, और बाकी जो मैं इसी तरह डाल रही हूँ और अब इसको मैं तेज आंच पर बनाऊंगी। आंच बिल्कुल तेज़ है, अब अनदर 10 मिनट्स और है, मैं इसे तेज आंच पर पकाऊंगी। देखिए ये तेल बिल्कुल ऊपर आ चुका है और अब ये जो है तेज आंच पे, मैंने आपसे कहा था कि तेज आंच पे मैं इसे 10 मिनट पकाऊंगी, तो मैंने तेज़ आंच पे 10 मिनट पकाया। पहले मैंने 15 मिनट इसे मीडियम आंच पे पकाया ताकि चिकन अंदर से गल जाए, और अब मैंने 10 मिनट उसको तेज़ आंच किया ताकि ये अच्छी तरीके से पक जाए। अच्छा, अब चिकन को इसका उलट पलट करते रहेगा ताकि हर तरफ से ये रेड हो जाए, काला नहीं करना, ख्याल रखिएगा, इतना नहीं फ्राई कर दीजिएगा कि वो काला हो जाए और सॉफ्टनेस इस चिकन की ख़त्म हो जाए। मैं इसे तेज आंच पे 10 मिनट करूंगी।
मुझे याद है कि हम डेरा गाजी खान कहते हैं अपने देवर की शादी के लिए, मेरे हस्बैंड ने वहीं से पढ़ा है पेशावर से, तो उनके दोस्त हैं नाजिम भाई, लाइक इज मेरे देवर, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छी फैमिली है। हम वहाँ शादी में गए थे डेरा गाजी खान, तो आप यकीन करें वहाँ मैंने कबायली कबाब वगैरह जो खाया था इतना औसम कि मैंने आके ट्राई भी किया था कि घर पे कि कैसे बनाया जाता है। मैं एक दिन आप लोगों को वो कबायली कबाब भी दिखाऊंगी कि कैसे बनाया जाता है। पहले वो कीमे को कबाब की तरह करके स्टीम किया जाता है, फिर वो ग्रेवी में पकता है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यम्मी डिश है। आज मुझे बलोची टिक्का देख के मुझे वो कबायली कबाब याद आ गया। इंशाल्लाह ताला कमिंग सून मैं उसकी भी वीडियो आपको देंगी। इसको बदल उलट पलट करते रहिए, जहाँ पे आपको लगता है कि अभी और थोड़ा सा लाल होगा तो हम इसे साइड चेंज कर देंगे, पर ये अभी तेज़ आँच पे ही बनेगा क्योंकि चिकन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल गल गई है। हम इसे अब तेज़ आँच पे बनाएंगे। बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इस मौके पे मैं चूल्हा जो है बंद कर दूँगी, ठीक है, क्योंकि मेरा चिकन बिल्कुल सही मानों में ये रेडी हो गया। आप देखिए कितना ज़बरदस्त इसमें कलर आया है, काला भी नहीं हुआ है क्योंकि मुझे काला नहीं करना था। बस इतना ही इसको फ्राई करना होता है तेज़ आंच पर कि ये एक अच्छा सा कलर दे दे, लाइक दिस, ठीक है। अब मैं इसे निकाल के फिर मैं बाकी दिखाती हूँ आपको। लेमन दिखाया था मैंने, उसका जूस निकाल लिया। अब इस तरह इसमें मैं ये डाल रही हूँ लेमन, और इसके साथ ही मैं ये मसाला जो है वो इसमें डाल के पहले बहुत अच्छी तरह से मैं इसे मिक्स कर दूंगी, फिर मैं इसको प्लेट आउट करके आपको दिखाऊंगी। आपको मैंने जो मसाला दिखाया था जो मैंने बना के रेडी किया था, ऑलमोस्ट हाफ जो है मैंने पहले इसमें आपने देखा होगा लेमन जूस डाला, फिर मैंने हाफ मसाला डाला। मसाला डाल के मैंने बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स किया। मिक्स करने में ये है कि आप तो ऊपर से बाद में भी डालिए, लेकिन जब आप पूरा एक साथ मिक्स करके आप इसे सर्व करेंगे तो उसका टेस्ट ही अलग होता है। फिर मैंने इसके ऊपर दोबारा जो है लेमन जूस डाला है। हाँ, ऑयल अगर आप मसाला मिक्स करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जी जनाब ये तो ड्राई हो रहा है, तो आप थोड़ा सा उसी ऑयल को, जस्ट लाइक इस मैं आपको दिखाती हूँ, इसी ऑयल को मैंने लिया टेबल स्पून, और उसी जब मैं मिक्स कर रही थी उसमें मैंने इस तरह से इस पर डाला, तो ये एक जो इसको ऑयल का जो टेस्ट है, जो ऑयल में जो सारी चीज़ों का जो टेस्ट आया है, मिर्च अदरक, वो बहुत ऑसम होता है। और इसको ज़ाया नहीं कीजिएगा, इस ऑयल को आप सेव कर लीजिए, बाद में भी आप कोई चीज़ बना सकते हैं। अच्छा, लेफ्ट ओवर जो है मसाला इसके ऊपर दोबारा थोड़ा सा ऐसे आप डाल दीजिए मोर, राइट, और थोड़ा सा आप गार्निश कर लें हरा धनिया के साथ इस तरह। जस्ट खूबसूरती के लिए, वैसे ये नेसेसरी नहीं है, ऑप्शन है आपके पास। अगर आप सर्व करते वक्त टेबल पे रख रहे हैं मेहमानों के आगे, तो थोड़ा सा गार्निश कर लीजिए, मोर ब्यूटी मोर देखने में अच्छा लगेगा, राइट। और इसके बाद ध्यान में थोड़ा सा हम अदरक भी इसी तरह डालेंगे, ये जुलियन कटा हुआ अदरक है जो मैं इस तरह डाल रही हूँ। आपको मैंने कहा था आधा पाउंड के करीब मैंने अदरक लिया था, और उसको मैंने जुलियन काट लिया था, हाफ से ज़्यादा मैंने इसमें डाला था, और बाकी थोड़ा सा गार्निश के लिए कि अगर मैं सर्व करूँ टेबल पे एटलीस्ट मेहमानों के आगे तो अच्छा एक लुक दे, अच्छा एक टेस्ट दे, देखने में अच्छा लगे। सो इस तरह ये आप सर्व कीजिएगा, आप यकीन करें मेहमान आपकी तारीफ करके ही जाएंगे। बगैर तारीफ के लिए कोई भी आपको
नहीं जाएगा। अच्छा, अब इसके सर्विंग का है, इसे हम रोटी सलाद और योगर्ट के साथ सर्व करते हैं। देखिए मैं अभी आपको देखो जनाब, मेरा बलोची टिक्का बिल्कुल रेडी हो गया और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया। बहुत से लोग ये करते हैं, जब टिक्का बलोची टिक्का रेडी हो जाता है तो प्लेट में निकाल के ऊपर से मसाला गार्निश करते हैं, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मसाला उसमें मिक्स करके फिर प्लेटर करें, दोबारा ऑन टॉप थोड़ा मसाला और डालें और लेमन जूस डालें, इससे मोर टेस्ट आता है, फ्लेवर खुल कर आता है सामने। तो प्लीज़ बनाइएगा ज़रूर और मुझे फीडबैक दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैंने इसे सर्व किया है रोटी के साथ और ये हरा धनिया की मिर्चों की चटनी है, दही है और सलाद है। तो आपने देखा मैंने बलोची टिक्का किस तरह बनाया, मैंने आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया है जिस तरह मैं बनाती हूँ। तो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी मेरी ये वीडियो। तो प्लीज़ आपको अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो थम अप दीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की बारे में पता चलता रहे। और इसी तरह मैं आपके साथ मिलती रहूं। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।